नमो नमो विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीय भाग है, जो संस्कृत विषय की आपकी पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 13 है, क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस पाठ का बच्चों हमने हिंदी अनुवाद करना सीखा। और साथ ही में जो अभ्यास प्रश्न है, जो कि अभ्यास प्रश्न पेज नंबर 96 पर दिए गए हैं, उनमें से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर वन वर्ड टाइप वाला क्वेश्चन था, उस पर हमने चर्चा की बच्चों। साथ ही में हमने क्वेश्चन नंबर 2, समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत, सिमिलर वर्ड्स को हमको पाठ में से चुन करके जो ब्रैकेट में लिखे हैं उसमें से सेलेक्ट करके लिखना था बच्चों, उस पर चर्चा की हमने। साथ ही में जो प्रश्न संख्या 3, श्लोकांशेन श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत, मतलब श्लोक के अंशों को हमको मेल करके, यानी कि जो मैं क्रॉस मैच का क्वेश्चन था बच्चों, उस पर हमने चर्चा की। और आज की कक्षा में बच्चों हम प्रश्न संख्या 4 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 4, पेज नंबर 97, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, चित्रम दृष्ट्वा ब्रैकेट में लिखा है पाठात, उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिं कुरुत, यानी कि ये क्वेश्चन बच्चों पिक्चर कंपोजिशन का क्वेश्चन है, एक तरह से ये पिक्चर कंपोजिशन चित्र वर्णनम का टॉपिक है बच्चों ये, यानी कि जो पिक्चर बनी हुई है उसको देखते हुए आपको पाठ में से उपयुक्त पदों को ग्रहण करके वाक्य की पूर्ति करनी है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम पिक्चर देख लेते हैं, कौन सी पिक्चर बनी है, पिक्चर देखिए आप लोग, एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, उसी के पीछे हमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और नदी के दोनों साइड में हमें जो हरा भरा सा बिल्कुल पेड़ पौधे, पेड़ बड़े बड़े विशाल वृक्ष लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और नदी के पीछे क्या है, नदी के कहाँ से बह रही है, वो पर्वतों से निकलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और साथ ही में बादल बने हुए भी दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो देख लेते हैं हम कौन कौन से सेंटेंस हैं इस पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ फिल होंगे, वो है बच्चों, अस्मिन चित्रे एका खालिस्थान बहति, इस चित्र में एक बह रही है, क्या बह रही है, नदी बह रही है, तो हम क्या फिल करेंगे यहाँ पर, नदी, हमारे चैप्टर में भी नदी वर्ड आया था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 वाला सेंटेंस है बच्चों, नदी खालिस्थान निसरती, नदी निकलती है कहाँ से, निकलती है कहाँ से, बहती है पर्वतों से, ठीक है ना, तो क्या फिल करेंगे हम यहाँ पर, पर्वतात, ओके। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन पूछा गया है, नद्याम जलम खालिस्तान भवति, नद्याम जलम खालिस्तान भवति, नदी का जल क्या किससे कैसा होता है, अमृत तुल्य होता है, तो पहले फिल करेंगे हम पीयूष तुल्यम। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड थोड़ा सा पुनः देख लेते हैं बच्चों हम, नदी खालिस्तान निसरती, ठीक है ना, तो नदी मैंने अभी पूर्व में बताया आपको पर्वतात, तो पर्वतात भी सही है, पर्वतात पर्वतों से निकलती है, और या फिर पर्वतात के लिए एक वर्ड जो चैप्टर में यूज हुआ था वो था भूधरेभ्य है, वो भी हम फिल कर सकते हैं, ओके। तो सेकंड में आंसर क्या फिल कर सकते हैं हम, नदी पर्वतात या फिर नदी भूधरेभ्य निसरती, ओके। नेक्स्ट नंबर 3 पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, फिर भी पुनः देख लेते हैं, नद्यः जलम खालिस्तान भवति, नदी का जल कैसा होता है, पीयूष तुल्यम, ठीक है ना, तो क्या बनेगा सेंटेंस पूरा, नद्यः जलम पीयूष तुल्यम भवति, नदी का जल अमृत तुल्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, खालिस्तान शस्य सेचनम भवति, शस्य सेचनम भवति, क्या फिल करेंगे हम इसमें, जलेन, जल से जो शस्य मीन्स फसल, फसलों की क्या होती है, सिंचाई होती है, जल से फसलों की सिंचाई होती है, तो जलेन फिल कर देंगे हम यहाँ। नेक्स्ट अंतिम है इसका सेंटेंस क्या है, वो भारत है खालिस्तान भूमि अस्ति, भारत कैसी भूमि है, तो भारत वीर भूमि ही अस्ति, वीर फिर हम यहाँ पर फिल कर देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों,
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, चित्राणि दृष्ट्वा मंजुषातः, मंजुषातः ब्रैकेट में लिखा है, चित्राणि दृष्ट्वा मंजुषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिं कुरुत। चित्रों को देख करके मंजुषातः यानी कि जो हेल्प बॉक्स है उसमें से उपयुक्त पदों को ग्रहण करके वाक्यों की पूर्ति हमको करनी है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम क्या क्या पिक्चर में बना हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर जो है मिसाइल अस्त्र दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है ना। यहाँ पर अस्त्र, उपग्रह आदि पर इस तरह से हेल्प बॉक्स में वर्ड्स भी दिए गए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं हेल्प बॉक्स में। अस्त्राणाम, भवति, अस्त्राणि, सैनिकः, प्रयोगः, उपग्रहाणाम, ठीक है। तो इस चित्र में देखिए बच्चों कितने अस्त्र हमें दिखाई दे रहे हैं, हथियार हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, वेपन्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम पहला सेंटेंस क्या है। अस्मिन् चित्रे खालिस्तान दृश्यन्ते, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं, अस्त्र दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अस्त्राणि। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते। नेक्स्ट नंबर टू है, एतेषाम् अस्त्राणाम् खालिस्तान युद्धे भवति, एतेषाम् अस्त्राणाम् खालिस्तान युद्धे भवति। इन अस्त्रों का युद्ध में होता है, क्या होता है, प्रयोग होता है। तो क्या फिल करेंगे हम, प्रयोग है। तो क्या बनेगा सेंटेंस कम्प्लीटली, एतेषाम् अस्त्राणाम् प्रयोग है युद्धे भवति, इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर थ्री है, भारत एतादृशानाम खालिस्तान प्रयोगेण विकसित देश मन्यते, ठीक है ना। तो फिलअप में क्या फिल करेंगे हम, अस्त्राणाम, ठीक है ना। तो इसका हिंदी अर्थ भी समझ लो। नंबर थ्री, भारत एतादृशानाम अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देश मन्यते, भारत देश जो है वो इस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करने से विकसित देश माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर फोर्थ, अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपी, खालिस्तान में क्या फिल करेंगे हम, भवति। नंबर फोर्थ में फिल करेंगे हम भवति, और अर्थ क्या होगा इस सेंटेंस का, अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपी भवति, यहाँ पर परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है, भू धातु होने के अर्थ में आती है इसलिए भू से क्या बना, भवति। नेक्स्ट बच्चों नंबर फिफ्थ, आधुनिक अस्त्रई खालिस्तान अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति। नंबर फिफ्थ, सैनिकः, सैनिकः फिल कर देंगे हम इसमें। तो कम्प्लीटली देख लेते हैं इसका सेंटेंस को, आधुनिक अस्त्रई सैनिकः अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति। आधुनिक अस्त्रों से जो सैनिक है, जो सैनिक है वो आधुनिक अस्त्रों से, आधुनिक हथियारों से अस्मान यानी हम सबकी, हमारी शत्रुभ्य रक्षन्ति, शत्रुओं से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अंतिम है, यहाँ अंतिम कौन सा है, खालिस्तान पहले रिक्त स्थान पूर्व में दिया गया है, इसके पश्चात लिखा है, सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति, ठीक है ना, सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति। तो क्या फिल करेंगे हम, उपग्रहाणाम, कम्प्लीटली कैसे सेंटेंस बनेगा देखिए, उपग्रहाणाम सहायतया बहूनि कार्याणि भवन्ति, उपग्रहों की सहायता से क्या होते हैं, बहुत से कार्य होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं हम बच्चों, पहले और भी इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें भी पिक्चर कंपोजिशन दी गई है, दिवाली का सीन दिखाई दे रहा है सिक्स का आ, इसमें भी हमें रक्षाबंधन का पिक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, ये भी पिक्चर कंपोजिशन का ही है, इसमें हमें एक वन का चित्र दिखाई दे रहा है, जंगल का फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, जंगल में हमें पेड़, मोर, हिरण ये सब भी यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो ये एक वन का सीन है, ठीक है ना। तो बच्चों इन सभी शेष बचे हुए पिक्चर कंपोजिशन पर हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। आज की कक्षा में हमने कौन कौन से पिक्चर कंपोजिशन समझे, हमने दो पिक्चर कंपोजिशन पर चर्चा की, एक था ये वाला अस्त्रों वाला जहाँ पर हथियार दिखाई दे रहे हैं हम, हमें उपग्रह इन पर चर्चा की, और साथ ही में ये हमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ
पिक्चर को देख करके हमने सेंटेंसेस को फिलअप, सेंटेंस के जो फिलअप थे जो हमारा चैप्टर था उसके अकॉर्डिंग फिल किया। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम पाठ के शेष प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बच्चों अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।